तारा जी, इस बार हमने फैसला किया कि इस ईद पे उन लोगों के साथ मिल के खुशियाँ बांटेंगे जो मेहनत काश हैं। हाँ जी, जॉब करते हैं छोटे छोटे पेट्रोल पंपों पे, दुकानों पे। और एक पे बात देखिए, जो रात को ड्यूटी सर अंजाम देते हैं ना, डिलीवरी बॉय होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो वो रात को कितना फासला तय करते हैं। हाँ जी, फिर बच्चों के रिज़्क़ कमा के घर लेके जाते हैं, तो उनको किसी ने टिप दे दी, किसी ने ना दे दी, ना दी। हाँ जी, तो आज चांद रात को भी उन्हें ड्यूटी देनी है। हाँ, कल भी देनी, कल है, भी देनी उनके है। मुकद्दर में छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है बिल्कुल। तो आपने कहा था कि इस बार हम डिलीवरी बॉय जो हैं, हाँ जी, उनके लिए भी कुछ है, कुछ करेंगे, उनको शामिल करें प्रोग्राम। हाँ जी, अपनी खुशियों में उनको भी, वो भी हकदार हैं जी, बिल्कुल। हाँ जी, तो तारा जी मेरा ख्याल है वो आ ही गया। हाँ जी, ऑर्डर कर दिया था। हाँ जी, आ गया। हाँ जी, आ गया। आ जाए आ रहा है। हाँ जी, तो जब इनको अल्लाह पाक की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई छोटी 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 खुशियाँ मिलेंगी, उनको नहीं पता। नहीं, उनको नहीं पता। हाँ, आज हमने प्रोग्राम ही अलग बनाया है कि इस तरह किसी को सरप्राइज भी दें और अपनी खुशियों में शामिल भी करें। जब हमारे बहन भाई देखेंगे ना दादी जी, तो उनके दिल में बात आएगी कि ये हकदार हैं। हाँ जी, इनके साथ कुछ ऐसा शुरू हुआ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नवाज साहब, ऑर्डर हमारा आ गया जो हमने दिया था। हाँ जी, वालेकुम सलाम। आ जाओ, आ जाओ। की लेके आए हो? स्वीट दादी, वेख लिए बदल भी है कि नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, पाजी है भी है कुछ है? तारा जी, है जलाल सिंह का ऑर्डर आया। हाँ जी, हाँ जी, इनको ऑर्डर दिया था। अच्छा, ये मिठाई अच्छी है ना? जी सर। हाँ जी, कितना बिल है? जाएं, ₹1300। आज चांद रात है जी सर, हमने भी खुशियां मनानी है, इसलिए मिठाई मंगाई यार। आपको ईद मुबारक। हाँ, खैर मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा, ये ले, टूटे हैं आपके पास? हाँ जी, ये दे दे उनको। हाँ, 700 में बकाया दे दे। तो सा आ गए यार, हमने कौन से आपसे छीन लेने हैं। अच्छा, आपने, आपकी कल भी ड्यूटी होगी जी यहाँ शॉप में जी। अच्छा, तो आप अपने घर में ईद नहीं मनाएंगे? ओहो, छुट्टी नहीं मिलती। तो जब आप अपने घर में ईद मनाने नहीं जाते तो फिर क्या महसूस होता है? सही बात है, घर वालों की याद तो बहुत आती है। घर वालों की याद, अभी पहुंच जाए, अभी पहुंच जाए, मजबूरियां क्या करें। सही बात है, ये मजबूरियां हैं, पेट की खातिर इंसान को परदेश काटना पड़ता है। फोन आया तो वो कह रही थी, मैंने कहा क्या करें। अच्छा, वादा का फोन आया? अच्छा, तो फिर आपने कहा कि मैं नहीं आ रहा? माओ को तो पता, आपको कितनी आस होती है कि मेरे सारे बच्चे घर में हों, हम एक एक घर में आप खुशियाँ मनाए हैं। हाँ, अच्छा, आपका दिल करता था ना कि आपको वाला साहब ईद मिलते? अब नहीं मिलने मिले, भाई भी कह रहा है, वालदा भी कह रहा है, अबू भी कह रहा है। अबू भी कह रहे हैं। अच्छा, तो ये मैं आपका अबू यार। हाँ, ये आपके वालिद हैं। ईद मुबारक। और मैं आपकी माँ हूँ, है, और अल्लाह पाक आप लोगों को बेटा खुश रखे, और ये मम्मा पापा की तरफ से आपको ईद। वहाँ साहब, वहाँ साहब, छोड़ दे, ये छोड़ें, ये पकड़ें, ये आपके लिए है। हाँ जी, ये भी आपके लिए है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ये आपकी ईद है, ये हमारे तरफ से आपको ईद, आपका ये बाप और ये माँ, ठीक है। हाँ, आप परदेश में हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपके लिए आसानियाँ फरमाए। कैसा लगा? सोच भी नहीं सकता। हमने भी क्या सोचा था कि हमने उनके शादी में मनानी है जो अपने घरों से दूर है। हाँ, ठीक है, मैं यकीन कर सोच नहीं सकता, मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। हाँ, बस यही खुशियां है, यही खुशी हमें देनी चाहिए। वालदा के पास अभी चला जाए। हाँ, नहीं बेटा, नहीं बेटा, आप नहीं, 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 नहीं। आपको हम खुश करने आए हैं, आपको, ताकि आप परदेश में हैं तो आपको कमी महसूस ना हो। कितनी खुशी मिली है। हाँ, अल्लाह भाजी आपको और ज्यादा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलिए जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़। तारा जी, आप देखें कि वो पहले कितना गमगीन हुआ। हाँ,
लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे साथ ईद मनाई है तो कितना खुश हुआ। नवाज साहब, ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपने घरों से दूर अपनी फैमिली की खातिर मेहनत मजदूरी करने जाते हैं और त्योहारों पे वो अपने फैमिली के साथ मिलते भी नहीं हैं, उनके पास नहीं जाते इस हम खुशियां देने आए हैं इस वक्त ग्राउंड में। हाँ जी, तो ये हमने जो सोचा था वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कितना इत्मीनान मिला है। हाँ जी, खुशी मिली, हमें खुशी मिली, हमारी ईद हो गई मां जी। बिल्कुल साड़ी ईद हो गई। हाँ, हकीकत का दूसरे दिन इंतजार जी। बिल्कुल, ते कितना हैरान गया, खुश गया, खुश गया, ते देख दिया कि दूसरा की लेके आंदा वा। अचानक अल्लाह पाक की तरफ इतना वो सरप्राइज मिल जाए तो जाहिर सी बात है नवाज साहब वो खुश तो होगा ना, वो बड़ा ही खुश गया, खुश बहुत गया और खुशी के आंसू भी आ गए उसके। अच्छा, ताले दूसरा भी आ रहा जी। हाँ जी, दूसरा भी आ गया। अच्छा, जाके दस देंगे सही कि सानू ईद मिली है। ईद मिली है। हाँ जी, देखो तारा जी कैसा सही है। हाँ जी, तारा जी गरम गरम। हाँ। पिज़्ज़ा। हाँ जी, ते रोज़ा रखने खोलने तो बाद खावांगे। हाँ जी, हाँ जी, ते इन पे बंद कर जाता दोबारा, गरम बहुत है। कितना बिल है? 1000। 1000 रुपया। चलो अच्छा, वो आपने पिज़्ज़ा में देना नहीं है? कल आप ड्यूटी पे आएंगे? हम ईद के तीनों दिन ही आएंगे। ईद के तीनों दिन ही आएंगे, हम छुट्टी करने नहीं देते खास कर। ईद के दिन भी ड्यूटी देनी है जी। आज रात को हम 3 बजे जाएंगे, सुबह फिर आंखें मलते इधर आ जाएंगे। ईद की नमाज होगी बस रास्ते में। अच्छा, इधर ही होगी इनके पास। तो पापा है जी? सब घर बार सब है, माँ भी घर बार। तो जब आप पापा से दूर ईद मनाएंगे, मनानी कहाँ है? जाहिर है नहीं ना, वो तो काम में गुजरेगी ना, ईद का दिन तो काम में गुजरेगा। तो कभी दिल च होंदी नहीं गल के पापा होंदा तो मैं ईद की नमाज पढ़ के जफी पा के मिलता? माँ प्यो के साथ जो ईद गुजरती है वो उससे बड़ी दिमते मिलती है, सुकून मिलता है दिल को। बिल्कुल, क्योंकि पूरी फैमिली का बल्कि है, कल है आज नहीं है। बिल्कुल, फैमिली के साथ बहुत फैमिली मिस होती है। जब इंसान अपनी मजबूरियों के तहत काम पे निकलता है तो फैमिली बहुत मिस होती है। कितनी उम्र तुम्हारी? उम्र मेरी 35 साल है। 35 साल, मेरे बेटे तरह हो, उठो तरह उठ के खड़ी हुए तरह बाप नहीं मिल सकते तो मैं ईद मुबारक। खैर मुबारक सर, तुम बाप के बराबर ही हमारे। अच्छा, ये पकड़े ना जरा, ये पकड़े अपने हाथ में पकड़े जी। ये भी पकड़े जी। ये आपकी ईद है। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया मुबारक आपको भी मेरी। ये भी आपकी ईद है, ये भी आपकी ईद है। हाँ, ये सरप्राइज ही है कि रात में खाएंगे बच्चे हमारे जी, आपको दुआएं देंगे। रात को मैं जाऊंगा, सारी बात है। हाँ, अब इसको रख लूंगा जी, फिर रात को गर्म करके ओवन में उनको दूंगा कि जी आपकी ईद आ गई। अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जिंदगी में पहली बार हुआ है कैसे मुझे किसी ने एंटरटेनमेंट मिल दी है। लेकिन अल्लाह पाक देता है ना, बेशक जी, ये अल्लाह पाक ने भेजा सब कुछ। बस ये छोटी छोटी खुशियां जो हम एक दूसरे एक साथ बांटनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। आपके आगे पीछे होते हैं, आपके भी आपको पता है। नहीं नहीं, साल बाद ही हमें खुशी देता है तो हमें और डबल हो जाती है। चले जी, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। ठीक हो गया, अपने मोटर से जाना सीधा घर, सूटो सूट। अभी घर नहीं जाना अभी तो। हाँ, पीछे से कहेंगे आपने इधर आने ही नहीं। अच्छा, चलो अल्लाह पाक, ड्यूटी है ना। बहुत बहुत मुबारक हो अभी ईद। हाँ जी, तो दुआ करा करो एक दूजे वास्ते कि ईद दी खुशियां रल के मंडियां जाओ। हाँ जी, किस्मत वाले देखते हैं जी, ये
माँ बाप की दुआओं, बहन भाइयों की दुआओं, अच्छी बिल्कुल ऐसे ही है। ओके ओके सर, रख रख रख। तारा जी, दोनों को आपने ईद दी है। हाँ जी। दोनों की आंखें नम हो गई हैं। हाँ। और वो उन्होंने ये कहा कि हमारी हसरत थी कि हम घर जाके ईद मनाते, तो उन्होंने कहा कि कभी हमारे माल को नहीं ईद नहीं दी। मुझे, मैं अपने बेटे के लिए, मेरा बेटा भी परदेश में है, अल्लाह पाक उसको भी खुश रखे, आबाद रखे, वो परदेश में है। हम लोग अपने बच्चे को बहुत मिस कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ होता और हमारी खुशियाँ दुबाला होती। खैर, वो परदेश में है तो ये भी तो आगे बच्चे हैं जिनके साथ ईद मना रहे हैं, इसलिए तो मैं ये कर रही हूँ। तो बैठो, अभी हम तीसरे का इंतजार करेंगे। अब देखना कि किसके क्या तासरात है। देखो इनके चेहरों पे तासरात क्या आते हैं, इनके चेहरों पे खुशी तमानी क्या चीज होती है, वो क्या महसूस करते हैं, वो महसूस करते हैं कोई हमारा है, हमारा इतना प्यार भी मिल रहा है और कोई गिफ्ट भी मिल रहा है। तो ये इतने से तो कुछ नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, 4-5 हज़ार कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो इसमें खुशी है ना, वो है, वो देखने वाली है। अब देखिए तीसरा क्या बात है। तारा जी, रोज़ा खुलने का भी टाइम होंगे वा। जी जी, हाँ जी। तो मेरा ख्याल तीसरा आदमी शायद तीसरा ऑर्डर जो वा वो लेट हो गया, तो मेरे ख्याल घर चलिए। नहीं नहीं, इंतज़ार कर लेते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं। नहीं, कितने मिनट रहेगा रोज़ा खुलने च? नहीं है अभी टाइम, अभी टाइम है। मैंने, आप प्यास बहुत लगती पई है। नहीं कोई नहीं, आज आखिरी रोज़ा है और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी, हमें ताकत दी कि हम अल्लाह के फरमान पे चलें, और सबके लिए दुआ करते हैं और आने वाले दिनों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इसी तरह हमें हिम्मत देता रहे, और सब बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जहाँ जहाँ भी हमारे बहन भाई हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत ज़िंदगी तंदरुस्ती में रखे, सलामती में रखे, और आने वाले दिनों के लिए अल्लाह पाक खैर व खैरियत रखे, और सबके लिए, सब पे अल्लाह पाक अपना फ़ज़ल करे। और ये माह रमज़ान अल्लाह पाक हर साल हम सब के लिए दोबारा खैर व खैरियत से आए और फ़ज़ल से आए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और ये सबको अल्लाह पाक नसीब करे। और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, बहुत खैर व खैरियत से ये पूरा रमज़ान गुजरा और अल्लाह पाक की जितनी मर्ज़ी थी वो पूरी हुई। और तारा जी, अगर हमारे बहन भाई जो प्रोग्राम देखते हैं, हाँ जी, अगर वो जी आ गया, आ गए, हाँ जी, हाँ जी, आ गए, वालेकुम सलाम। ये की लेके आए हो? ये सर जी केक है, ड्राई केक है। काट के देखो तारा जी। जी सर, अस्सलाम। जेड़ा ऑर्डर देता सी वही है? हां जी सर जी, वही है, क्वार्टर वाल में केक है, ड्राई वाला सर। हां जी, वो टेप लगी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, केक है। हां, कितना बिल है ये? 12 सर। अच्छा, आप पकड़ो जरा। जी सर, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਸਰ, ਜੋ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਨਾ। ਕਿਤਨੇ? 1200 ਰੁਪਏ ਇਸ ਦਾ ਕੇਕ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 1200 ਰੁਪਏ? ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਤਾਰਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦਾ ਕੇਕ ਪੱਕ? ਇਹ ਦੇ ਦੇ ਭਾਈ, ਕੇਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਣਾ ਦੇ ਨਾ। ਲੈ 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 ਲੈ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਕਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ, तो आप इधर ड्यूटी कितनी देर तक देते हैं? ये तकरीबन 10 घंटे होते हैं। अच्छा, तो कल छुट्टी होगी ना? छुट्टी हमारी नहीं होती, ईद के दिन भी छुट्टी नहीं होती। हाँ जी। अच्छा, ईद पे भी छुट्टी नहीं होनी? नहीं होती बाजी, वो कहते हैं आपने काम ही इधर कर लिया। शादीशुदा हैं? हाँ जी, दो बच्चे, एक बेटी एक बेटा है। तो वालदैन? वालदैन पीछे हैं, मेरे को ही है, मैं उन्होंने नाल ऑपरेट कर लूँगा। तो वालदैन भी कोल ना होन, तो बीवी बच्चे भी कोल ना होन, बस तो ईद जड़ी के चंगी लगती है? नहीं चंगी लगती, परदेश में बला चंगी लगती है, बच्चों के बिना, बच्चों के बगैर कैसे ईद अच्छी लगती है? तो उन्होंने पता नहीं जिन गुजरी हो। हां, तो उम्र कितनी थोड़ी? उम्र तकरीबन मेरी आज तक 28 दिन नेड़े है। तारा जी, 28 लगती ज्यादा लगती है। आईडी कार्ड मेरे पास है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जेच पाओ ना पहले। गल है जी सर, कि तुम परदेश चो आके इतने जॉब करते पे हो, तो तुम घर भी नहीं जाके ईद मना सकते? नहीं मना सकते जी। तो कभी महसूस किया कि अगर मेरा वालद जो उ
ईद वाला दिन होंगे तो तुम जफी पा के मिलता बिल्कुल दिल में होंगी जो माँ प्यो को बंदा इस वक्त होना भरोसा बंदा सारा हो बिल्कुल जब बच्चों के कोलो बंदा ईद गुजारे लेकिन क्या करे मजबूरियां हाँ जी जब नमाज पढ़ के आते हैं तो अपने घर वालों के साथ हाँ आके गले मिलकर ईद मुबारक हाँ, कहते हैं खुशी होती है अपनों के साथ ईद मिलने के लिए बहुत खुशी होती है ईद मुबारक खैर मुबारक एडवांस मुबारक आपको भी आप हमारे बेटे हो मेरे बड़े बेटे की उम्र 33 साल है तो आप हमारे बड़े बेटे हो ठीक है तो हमारी तरफ से ये ईद है बेटा ये हमारी तरफ से आपके लिए ये बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया भाजी आपके ये भी आपके भी लिए हाँ। आपने हमारे साथ इस तरह के किया था की कीता था मंत्र यही जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि प्रदेश में रहकर इस तरह हमारे साथ होगा नहीं ये प्यार है ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो कुछ नहीं चाहिए जो कुछ हमें हमारे अल्लाह पाक ने सिखाया है ना जी सर अल्लाह पाक कहता है कि जैसी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ मैं तुमसे तवक्को रखता हूँ कि तुम भी अपने पड़ोसियों के साथ वही मोहब्बत रखो ठीक है तो ये आपके लिए था समझना हाँ। तो हमें एक छोटा सा मैसेज देना था दादाजी हाँ जी कि ऐसे लोग हजारों लोग हैं हजारों नौजवान हैं जो अपने माँ बाप से दूर है ईद मना रहे ईद हमारी ये तीसरी ईद है हमारी अच्छा तीन साल हो गए आपने घर में ईद नहीं मनाई आप घर नहीं गए ईद मनाने तीन साल होंगे आज पहली दफा ईद मना रहे हैं हमारे साथ जी सर जी आपके साथ मना तो कैसा लगा बस अच्छा लगा कि आपने हमें अपना अच्छा अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करें और दुआ करते हैं कि ऐसे परदेसी जो है ना अपने घरों में जाके ईद मनाएं अपने बच्चों में जाके ईद मनाएं अपने माँ बाप के साथ ईद मनाएं हम अपने बच्चों के साथ तैयारी वगैरह बच्चों के लिए चलो उसके साथ सुबह ईद मनाते बिल्कुल चलो बहुत शुक्रिया सर जिंदे वास्ते रहो इंशाल्लाह बहुत बहुत ईद मुबारक खैर मुबारक आपको भी सर जी ईद मुबारक बहुत शुक्रिया भाई जान आपको भी बहुत शुक्रिया सर जाना किधर है यार और भी ऑर्डर है ना वो इस वजह से उनका उनका वो ड्यूटी का टाइम है ना कि कस्टमर का एक या दूसरा हां ईद लेके भजन की थी फिर नहीं सर जी नहीं ईद नहीं वो मजाक कर रहे हैं इतनी बेवफाई फटाफट ही नहीं सर जी अच्छा आप सारी रात कहीं खड़े रहेंगे ये कोई ऐसी बात है हां जी आप चलो ठीक है फिर चलिए जी देखें ये है खुशियाँ तारा जी हाँ जी अच्छा जो भी आया ना डिलीवरी बॉय हर किसी ने यही बताया कि वो अपने घर नहीं घर नहीं गया हाँ। तो अगर हम सिर्फ तीन डिलीवरी बॉय के साथ मोहब्बत कर सकते हैं हाँ। तो अपने अपने शहर में जहाँ जहाँ भी आप डिलीवरी बॉय के जरिए कुछ चीज़ मंगवाते हैं जी तो सोचा करें कि टिप उनका हक है हक और है। टिप भी 10-20 नहीं।, नहीं अगर आप 2000 की कोई चीज मंगाते हैं 3000 की मंगाते हैं तो ये सोचिए उसे एक माकूल टिप दे जिसकी उसकी इज्जत नफ्स में जरूर ना होए और उसको खुशी भी जाए खुशी भी हो जाए वो आपको हाँ। वो महसूस करे कि मुझसे प्यार करते हैं ये प्यार बांटने का वक्त है जी। इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान में हालात है नफरत तो पैदा करने वाले नहीं चाहिए हमें हमें चाहिए जो मोहब्बतें बांटे तो मोहब्बतें बांटो एक दूसरे के साथ नफरतों को दूर फेंक दो और एक दूसरे से मोहब्बत करो और ईद की कल आमद आमद है ईद के दिन अपने जो रूठे हुए उनको मनाओ उनके साथ गले लगो और इस पाकिस्तान अपने मुल्क को एक खुशहाल मुल्क एक प्यार करने वाला मुल्क एक फलाही माशरा बनाने में अपना किरदार अदा करें भाईचारा कायम करें और सबके साथ प्यार करें और जो रूठे हुए हैं उनको जाके गले लगा के उनकी नाराज़गियाँ दूर करें यही हमारा मैसेज है और यही हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे आबाद रखे अगर हमारे बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती में रखे हम सब आपके लिए दुआगो हैं बहुत शुक्रिया रोज़े का टाइम हो रहा है अब हम घर जा रहे हैं और अगले वीलॉग तक हमें इजाज़त दें इंशाल्लाह अगले वीलॉग में हम फिर हाज़िर होंगे और इंशाल्लाह कल ईद भी हम ऐसे लोगों के साथ मनाएंगे इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़